हम आराम से इस बात के अध्ययन करते आ रहे हैं कि मलकिसदेक का मतलब है साही या राजसी या यजक इजंट दैट व्हाट इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर क्या यही बात हम शास्त्र में नहीं लिखा है द गॉड है मेड अस एज़ किंग्स एंड प्रीस्ट टू हिज गॉड द फादर कि परमेश्वर ने हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है नाउ लुक एट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स इन द स्क्रिप्चर अब धर्मशास्त्र के पहले कुछ बचनों को यहाँ पर देखते हैं इट गॉड एस मेड अस यह कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया द वर्ड मेड इज पास टेंस यहाँ पर बनाया गया जो शब्द है यह भूतकाल है सो वी वेड इन टू डिस इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड इसका मतलब है कि हम बनाए जा चुके हैं या इसके लिए इस धरती के बुनियाद रखने से भी पहले बुलाए गए हैं टू बी प्रिंसर बिगिनिंग नॉट सीन शाही याजक मल्कि सडक की रीति पर बनने के लिए जो बुलावा दिया गया है वह आदि में मनुष्यों को ही दिया गया है अगर वह पाप नहीं करता डिस to be made as a king and a priest would have been man's original call if he had not sinned from the beginning. Raja yam yajak ka bulawa manushya ka prarambhik bulawa hota agar aarambh se woh paap na karta. Now after man had sinned, he lost that call. जब मनुष्य पाप किया उसे वह बुलावा छूट गया And thousands of years later.

दूसरा भाग है याजक के समान इस तो मिनिस्टर अंटू गॉड इन वर्शिप एंड इन प्रेस परमेश्वर के लिए आराधना प्रशंसा द्वारा उनकी सेवा करना एस अ प्रीस दे आर सपोज टू एस्टेब्लिश ऑल्टर्स ऑफ प्रेस एंड प्रेयर एंड वर्शिप ऑन द अर्थ अंटू द लिविंग गॉड याजक होने के नाते जीवित परमेश्वर के लिए हमें प्रशंसा प्रार्थना और आराधना के वेदी को स्थापना करना होगा इस धरती पर

ये मिल्की सिद्दीक जब अपने आप को पहली बार अब्राहम को परिचय दिलाता है ही अपियर्स एज द किंग ऑफ सेलम वो अपने आप को सालेम की राजा के रूप में प्रस्तुत करता है देन वी फाइन एब्राहम गिविंग हिम टाइट्स तब हम देखने पाते हैं अब्राहम अपने दशवाहंस को उनको दे रहे थे नो वन गिव्स टाइट्स टू अ किंग कोई भी राजा को दशवाहंस नहीं देते हैं बिकॉज़ टाइट्स इज नॉट पेइंग टैक्सेस क्योंकि दशवाहा कोई कर चुकाने वाली बात नहीं है इट इज नॉट अ वासल स्टेट पेइंग ट्रिब्यूट टू अनदर हायर किंगडम दैट रूलिंग इट और ये कोई जागृत राज्य की चढ़ाने वाली एक श्रद्धांजलि नहीं है जो एक राजा दूसरे राजा के लिए देता हो सो गिविंग ऑफ टाइट्स इज लाइक एन ऑफरिंग दशवांश देना एक भेंट देना की बराबर है एंड गिवन टू अ प्रीस्ट भेट सिर्फ याजकों को दिया जाता है सेकंडली यू सी हाउ मेलकिसदेक रेस्पॉन्डेड। दूसरा हम देखते हैं किस रीति से मेलकिसदिक ने अपनी प्रतिउत्तर दिया है आफ्टर ही रिसीव द टाइट्स ही सर्व ब्रेड एंड वाइन टू इब्राहिम। जब उसने अब्राहम से दशवांश पाया तो अब्राहम को उसने रोटी और दाखरस दिया नो किंग्स एवर डू दैट कोई भी राजा ऐसे नहीं करते हैं दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रिंस ये एक याजक का काम है सो इन दिस वन इंसिडेंट वी सी दिंगली देख सकते हैं की मिल्कि के ऊपर राजा की अभिषेक भी है याजक की अभिषेक भी है ना लेट्स लुक एड एग्जाम्पल आई एम एक और उदाहरण अभी देखें किंग डेविड राजा दाउद नो बाई दाइटल वी नो ही इज द किंग उसके नाम लेख से हम जान सकते हैं कि वो राजा है सो डेविड हैड द किंगली अनॉइंटिंग अपॉन हिम दाऊद के ऊपर राज की एक राजाओं की अभिषेक था एट द सेम टाइम ही आल्सो हैड द प्रीस्टली अनॉइंटिंग साथ ही साथ उनके ऊपर याजक की अभिषेक भी था हाउ डू वी नो दैट कैसे हम जानते हैं इसे ही वाज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड परमेश्वर के एक बड़े आराधक थे वे एंड ही यूज्ड टू वेयर द एपॉड एंड गो टू मिनिस्टर अंडर टू गॉड अब वो ए पोट जो याजकों का वस्त्र रहता है उसे पहनकर प्रभु की सेवा के लिए जाता था नो एन ऑफ द गर्मेंट ऑफ अ प्रिंस और ये ए पोट जो है याजक की वस्त्र के एक भाग है सो टू दिस इंसिडेंट द लाइफ ऑफ किंग डेविड वी सी द किंगली एंड द अनॉइंटिंग अपॉन डेविड दाऊ राजा की इस भाग से हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर राजा की अभिषेक भी था और याजक की अभिषेक भी था Now let's look at the Lord Jesus Christ. प्रभु की अनॉइंटिंग यीशु मिल्किदीक की रीति पर की याजक होने की वजह से क्या उसके जीवन में राजा और याजक की दोनों के अभिषेक है या नहीं देखें।

इस वजह से यीशु मसीह के ऊपर राजा की अभिषेक भी है एंड इन हिब्रूज चैप्टर सेवन वर्स 25 फाइव वी रीड इब्रानियों के पत्री सात अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं दैट ही इज एन इंटरसेसर कि वो मध्यस्थता करने वाला है ही लिव्स फॉर एवर टू मेक इंटरसेशंस फॉर अस वो सर्वदा इसीलिए जीते कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करने पाए नाउ हु मेक्स इंटरसेशन अब मध्यस्थता कौन करता है इज द प्रीस्ट वो याजक करते हैं सो वी सी द प्रिस्ली अनोइंटिंग अपॉन द लॉर्ड जीसस। इस वजह से यीशु मसीह के ऊपर वो याज की अभिषेक को भी देखते हैं एंड जकराया चैप्टर सिक्स वर्स थर्टीन सेस लाइक दिस अबाउट द लॉर्ड जीसस जकरिया भविष्यवाणी की पुस्तक छठे अध्याय के तेरह पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय पर इस प्रकार कहा गया है He shall sit on his throne like a king and make intercession like a priest. वो सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान होकर याजक के समान मध्यस्थता करते रहते हैं सो वी हैव सीन अब तक जो ये तीन घटनाओं को हम देखते आ रहे हैं हम देखने पाते हैं मेल्किडिक की रीति पर की याजकपन में दो प्रकार की अभिषेक उनके ऊपर है अनॉइंटिंग जहां राजकीय अधिकार की, की मध्यस्था करने वाली ए, इस रीति से ही वास्तविकता में मनुष्य बनाया गया था किंगली अनोइिंग टू रूल ओवर ऑल ऑफ गॉड्स हैंड्स एक राजकीय अभिषेक के साथ जिससे कि परमेश्वर की, परमेश्व की हाथों की रचना पर राज्य करने पाए

एक था अब वो दो बन गया है नाउ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम्स अब प्रभु ये मसीह आते हैं एंडस्टिट्यूशनरी डेथ जब वो हमारे बदले की जो मृत्यु ने सहा है ही इज टेकिंग क्लेम बैक और उस अधिकार को वापिस पाते हैं नाउ ही टू बैक मेक दम वन अब इन्होंने इन दोनों को वापिस लिया और उसे एक कर दिया द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकेम एस ए सब्सिट्यूट अब प्रभु ये मसीह वो हमारे लिए बदले बन चुके थे वदले में एस हाउ एडम वी दिकॉटन सन ऑफ गॉड

के 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 साथ और के साथ और भय जिया था, था। जैसे आदम को रहना था। 5. अब मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों पत्री अध्याय की ओर खोल लीजिए अपने बाइबल में। 7 9. हम सात से लेकर नौ पद तक पढ़ने वाले हैं। offered ऑफ prayers and supplications

Now please look at verse 7. अभी दया करके सातवें पद को देखिए life इन godly fear. वहाँ पो कहता है कि भक्ति के जीवन यही परमेश्वर का भय मानने वाला भक्ति है And in verse इन we read he lived a life of obedience. आठवें पद में हम पढ़ते है कि वो आज्ञा मानने वाली जिंदगी उन्होंने जिया है भक्ति और आज्ञाकारिता की जीवन व्यतीत करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सिद्ध स्थानापन बलिदान बन गए एंड लिविंग अ लाइफ इन गॉडली फियर एंड इन ओबीडियंस टू गॉड ही परमेश्वरिय भक्ति और आज्ञाकारिता के जीवन व्यतीत करने के द्वारा वो सिद्ध किए गए हैं परफेक्टेड इनटू व्हाट सिद्ध किया जाना किसमें आफ्टर द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड परमेश्वर के स्वरूप और समानता में माय डियरली बिलीव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स संस एंड डॉटर्स मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां सो मेनी क्रिश्चियंस आर नाउ स्ट्रगलिंग टू लीव होली लाइफ परफेक्टेड लाइफ

डॉक्ट्रीन ऑफ हाइपरग्रेस और इस वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर की ऊंची अनुग्रह की जूटी शिक्षताओं के ऊपर घिर पड़ते हैं बिकॉज दिस डिमोनिक टीचिंग ऑफ हाइप्रेस टेल्स डोट नीड टू स्ट्रगल डों परफेक्ट लाइफ जस्ट बाई ग्रेस गॉड इज अ गॉड ऑफ लव ही क्योंकि ये ऊंची अनुग्रह की शैतानी शिक्षाएं लोगों को इस प्रकार सिखाता है तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है सिद्ध जिंदगी जीने के लिए जरूरत नहीं है परमेश्वर की अनुग्रह आप हो नहीं पाएगा कि आपको वो जो है उन आशीषों में उन स्वर्ग में ले जाएंगे आई शो यू अ शॉर्टकट आज मैं एक छोटा रास्ता मैं दिखाता हूँ एक सिद्ध जिंदगी जीने के लिए एक आसान रास्ता

फर ऑफ गॉड सिद्ध जिंदगी व्यतीत करने के लिए पहला कुंजी वो ये है कि वो परमेश्वरी भक्ति द सेकेंड की इज फाउंड इन वर्स एट दूसरा कुंजी हम आठवें पद में देखते हैं ओबीडियंस आज्ञाकारिता ओबीडियंस टू दमांडमेंट ऑफ गॉड परमेश्वर की आज्ञाओं की आज्ञाकारिता इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ओबे आज्ञा मानना कोई कठिन बात नहीं है Once you you set your your heart and your mind to obey, you can obey. can अगर एक बार अपने मन और हृदय को लगा देते हैं कि मानने के लिए आज्ञा को तो आप जरूर आज्ञा मानेंगे When you do these two things, जब ये दो बात आप करेंगे the पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बनाएंगे This was how the Lord Jesus Christ went through. इस तरीके से ही प्रभु यीशु मसीह गुजरे हैं

उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कि की, की रीति पर महायाजक का पद मिला प्रिंस हारोन वो महायाजक है एंड ऑल हिज हिन्स बिकेम द प्रि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एरन उनके सारे बेटे हारोन की रीति पर वे याजक बने इन द सेम मैनर ठीक वैसा ही ऑर्डर in और मिल्कि की रीति पर की वो महायाजक बनते हैं When we walk in obedience. जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं When we walk in Godly fear. जब हम परमेश्वरीय भक्ति में चलते हैं तो होली स्पिर परफेक्ट अस एंड वी बिकम अ प्रीस आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द मिल्की सटक पवित्र आत्मा में सिद्ध बनाएंगे तो हम भी मिल्की सिद्धि की रीति पर की याजक बनने पाएंगे आमेन आमेन सो प्लीज कीप मेडिटेटिंग ऑन दिस टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते मिलते तक इसी चीज पर आप अध्ययन करते रहिए गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको आशीष दें

तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल टेलीविजन चेन्नई छून्य शून्य शून्य चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल डॉट ओ आर जी